प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों आज हम आपके लिए स्क्वायर निकालना समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि अगर बेस आपका 200 है और उससे नीचे की लगभग की संख्या है उनका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आगे जैसे कि 300 से आसपास की संख्या है, 400 के आसपास की संख्या है और 500 के आसपास की संख्या है, या मध्य की संख्याओं का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम इनका पोस्टमार्टम करेंगे और स्क्वायर का धुआं धुआं करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों देखेंगे कि हम एक ही डिजिट में इसका आंसर देने वाले हैं आज। तो प्यारे विद्यार्थियों और आपको एक अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ने जा रहे हैं और अग्नि ट्रिक्स देने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखेंगे एक ही लाइन में इनका आंसर आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे किस तरह से निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको इस क्लास से पहले ये जानना ज़रूरी है, जैसे कि आपका ये 16 है इसका स्क्वायर का जरूर मालूम होना चाहिए कि इसका स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि आपका 22 है या 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 30 तक का स्क्वायर आपको कन्फर्म होना चाहिए। अगर आपको 30 तक का स्क्वायर कन्फर्म है तो इस टाइप के 3 अंक के क्वेश्चनों का आप धुआं धुआं कर देंगे। अब देखेंगे जैसे दिया है पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन दिया हमारा बच्चों यहाँ पर 216 और इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो देखेंगे 216 का वर्ग कितना होगा। तो हमें पता है बच्चों 256 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे, 56 लिखेंगे और यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। तो 16 इसका स्क्वायर देखेंगे क्योंकि यहाँ 200 से कितना अधिक है, 16 अधिक है, 16 का स्क्वायर करेंगे इट मीन्स 256 आ जाएगा और 256 में यहाँ की 2 अंक लेंगे और 2 यहाँ पर कैरी लिख देंगे। अब इसमें से 16 ही प्लस कर देंगे तो ये 216 है, जितना ज़्यादा 16 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 232, ये मेरा 232 आ गया। अब यहाँ पे जो आपका 200 का है तो यहाँ पे इनको कैंसिल कर दें और क्या करें, यहाँ में 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी तो 2 के इसमें करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 4 और 2 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 6। अब यहाँ पर 6 आ गया, अब 2 3 6 कितना आ जाएगा यहाँ 6 और 2 2 4। ठीक है, ये मेरा एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आ गया, मज़ा नहीं आ रहा, देखिए एकदम मज़ा आ जाएगा आज आपको, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। अब देखिए ये बच्चों कितना कम है, 16 ही कम है, कितना है 200 से 16 कम है, ये 16 ज़्यादा है या और कोई संख्या होती, अगर ये 16 कम है तो क्या करेंगे, इसका 32 जो है इसका कंप्लीमेंट ले लें, इसका कंप्ली या इसमें से 16 घटा दें या करें इसका 32 जो 232 है इसका कंप्लीमेंट कर दें 100 से, तो यहाँ पर करेंगे जैसे 32 है ये 32, ठीक है 32 को घटाएंगे या इसमें से 18 कम कर दें तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा, ठीक है 68 आ जाएगा, यहाँ पर 68 आ जाएगा और यहाँ पर 1 कम हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 168 हो जाएगा। अब कितने की मुझे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है और कितना कम है ये 16 ही कम है। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखिए 16 कम है तो 16 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वही 56 आ जाएगा और यहाँ पर 2 कैरी ले लेंगे। अब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 2 8 16, 16 और 2 ठीक है 18 18 का कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पर 1 कैरी ले लेंगे, 2 6 2 12 और 1 कितना आ जाएगा 13 और यहाँ पर 2 1 2 ठीक है
और यहाँ पर एक कैरी ले लिया, दो एकन दो और कितना आ जाएगा तीन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये मेरा एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। देखिए एक ही लाइन में आंसर निकालने का, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा और इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये दिया है, अब देखिए मैं इसको और भी लिख सकता हूँ, 27, 28, 29, 30 कम कर सकता हूँ, ऐसे चिंता ना करें, आगे देखेंगे। जैसे ये 22 लिखा है, तो 22 जो लिखा है कितना ज़्यादा है, तो 22 का स्क्वायर ले लें, और 22 का स्क्वायर कितना बच्चों होता है हमारा 484, कितना होगा 484। तो देखिए यहाँ पर 84 लिखेंगे और यहाँ पर ले लेंगे आप 4 कैरी, ठीक है। दो अंक यहाँ ले कर चलेंगे, तीन डिजिट का आता है, तो ये हमने 22 का वर्क कर दिया। और ये करेंगे क्या, अब इसमें जो ये 22 है इसी में 22 जोड़ दें, क्योंकि 322 है और 22 ज़्यादा है 300 से, तो 22 ही जोड़ दें, तो सीधा बहुत आराम से जोड़ सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 344 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है कि 3 का बेस है, तो यहाँ पर 3 की यहाँ पर क्या करेंगे, 300 है तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, ठीक है। 16 का 6 और हासिल 1, 3 चौक 12, ठीक है। 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। 13 का 3 हासिल 1, अब 3 3 या 9 और 1 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 10, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 84 हो गया, ये मेरा 6 हो गया और ये मेरा 3 आ गया, और यहाँ पर कैरी 4 लिया था, यहाँ पर कैरी 1, यहाँ पर कैरी 1, और यहाँ पर 3 3 9 और 1 कितना आ गया, ये मेरा 10। तो ये मेरा इसका इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो और ये आपका 10 36 84 कितना आया प्यारे बच्चों, 10 36 84, और ये इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी कितना कम है, ये अगर 22 कम है या 23 कम होता या 24 कितना भी कम होता, उसी आधार पर निकालते या ज़्यादा हो, तो देखेंगे ये कितना 22 कम है। अगर मैं इसका 44 है तो 44 का मैं कंप्लीमेंट करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ, 66 आ जाएगा। 100 से कंप्लीमेंट करेंगे, 100 में से घटा दो तो 66 आ गया, और एक इसमें से कम कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा 266 आ गया, ठीक है। एक कम कर दें इसमें से, ठीक है, कंप्लीमेंट कर लेंगे इसका 100 से और इसको एक कम कर देंगे 286। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसमें से, ठीक है, 78 में से 22 कम करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 266 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 266 आ जाएगा। यहाँ पर 44 कम करते हैं तो 44 का मतलब है, ठीक है, 100 यानी कि 10, 10 में 4 और 9 में से 4 के 5, तो ये मेरा आ जाएगा 56, ठीक है। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ, ये 56 आ जाएगा, ये यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये 56 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना आ गया हमारा 256, यहाँ पर 256 आ गया, ठीक है, नहीं ये 256 आ गया। अब देखिए इसको कितने में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कितना दिया आगे, क्योंकि 22 कम है तो वही आएगा हमारा 84, ठीक है, 484, क्योंकि 22 का करेंगे हम वर्ग, 22 का वर्ग कितना होता है 484, और 4 यहाँ पर कैरी ले लेंगे। अब इसकी देखेंगे ये आ गया, अब इसको 6 3 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 में 2 कैरी ले लेंगे। अब 6, ठीक है, 3 5 15 और 2 कितना आ जाएगा मेरा 17, एक कैरी ले लेंगे, और 3 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ये बच्चों इसका आंसर निकल आता है एक ही लाइन में, तो यहाँ पे समझ रहे होंगे एक ही लाइन में इसका धुआं धुआं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, 10 36 84, ठीक है, और अगला 77, ठीक है, 77 284, ये सही है, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। अगला देखेंगे
ये 400 से कितना ज़्यादा, 18 ज़्यादा है। अब आपको 18 का वर्ग मालूम होना चाहिए। 18 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 324। कितना होता है? तो यहाँ पर 24 तो यहाँ रख देंगे और 3 को यहाँ ले लेंगे, 324 है। तो यहाँ पर 2 अंक ही लास्ट के लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें 18 दें तो कि कितना, 18 इसमें जोड़ दें, इसमें 418 और गया 18 दो जोड़ दें तो कितना आप सीधा कर सकते हो, 36 होगा बहुत आराम से। और यहाँ पर कितना दिया है कि 4 है, तो 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम कैंसिल कर दें। अब 4 की करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा बच्चों? 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। और 27 में यहाँ 2 कैरी ले लेंगे और 4 तिया 12, ठीक है, 12 और 2 कितना होगा? 14। और यहाँ पर 1 कैरी ले लेंगे और 4 चौक 16 और एक कितना आ जाएगा मेरा? 17 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए मैं इसको एक ही लाइन में निकाल रहा हूँ और ये आपका सही आंसर आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, एकदम धांसू ट्रिक्स, अग्नि ट्रिक्स, ठीक है। आगे देखेंगे, अब मेरा देखिए ये कितना कम है, ये भी कितना कम है, ये भी 18 कम है। कितना? 400 से 18 कम है, 18 कम है, तो यहाँ पे 36 का कंप्लीमेंट कर लें या इसमें से 18 कम कर दें, ठीक है बच्चों। या तो 18 कम कर दें या इसका हम क्या कर दें, कंप्लीमेंट कर दें, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अब मैंने करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 436 वाला और दूसरा कर रहे हैं तो यहाँ पर 36 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, हाँ जी 264। कितना आ जाएगा? क्योंकि 100 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 64 आ गया। और एक यहाँ में से कम कर दो, ठीक है, एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 364 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, अब जब 364 आ गया, अब इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 की। कितने की? 4 की, क्योंकि 400 से कम है। कितना कम है ये हमारा, ठीक है, 18 यानी कि कम है। अब देखेंगे नेक्स्ट में, तो 4 की करेंगे तो देखिए ये तो मेरा सीधा है, 18 का कितना गया मेरा? 24 ही हो गया, यहाँ तो सीधी बात है 24 और यहाँ पे 3 हो गया 18 का वर्ग। 18 कम है तो 18 का वर्ग करें और 18 ही इसमें से 382 में से घटा दें तो ये आ जाएगा और इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दें। अब देखेंगे 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। 19 का एक हासिल, ठीक है, 19 का 9 हासिल एक। अब 4 छिंग 24। 24 और एक कितना हो जाएगा? 25। और 25 का यानी 2 कैरी ले लेंगे, 4 तिया 12, 12 और 2 14 तो गया मेरा, ठीक है, 145 942, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला देखिए नेक्स्ट में, अब मैंने ये किया कि 17 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, तो सीधा क्या करेंगे, इस 17 को ही जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 534 हो जाएगा। कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 5 की। 17 का वर्ग कितना होता है बच्चों, ठीक है, तो 17 का वर्ग 289 आएगा। कितना? 289 आएगा, तो 89 यहाँ लिख लीजिए, 2 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए 5 के 5 चौक 20, 20 और 2 कितना हो गया? 22, यहाँ लिख लो, 2 कैरी ले लो, 5 तिया 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल एक, 5 25, 25 और, ठीक है, 1 कितना? 26, तो ये मेरा आंसर निकल आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखेंगे यहाँ पर इस तरह से इसका मैंने आंसर दे दिया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 517, ठीक है, 5 वाला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, 26 72 89, इसका आंसर आएगा, आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे ये कितना कम है। अब ये जो चौंस यहाँ पर जो दिया है ये 34 है, ठीक है, 34 को 100 में से घटा दें, 34 को, या इसमें से 17 कम कर दें या 34 को घटा दें। अगर मैंने 34 को घटा देंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, हाँ जी 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 66 आ जाएगा। और एक कम कर दो तो कितना? 466। या हम ऐसा करते इसमें से सीधा 18 घटा दें, 18 कम गो 17 कम है तो 17 इसमें से माइनस कर दें या इसका कंप्लीमेंट ले लें और कितने की मल्टीप्लाई कर दें? 5।
कितना कम है गे, 17 कम है, तो 17 कम है तो वही क्या, 17 का स्क्वायर किया तो कितना 8, 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 5 छंग कितना हो जाएगा 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, 3 कैरी ले लेंगे, ठीक है, 5 छंग 30, 30 और 3 33, ठीक है, और कितना 3 कैरी ले लिया। अब 5 चौक 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, ठीक है, तो 23, 32, 89 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाता है बच्चों, 23, 32, 89 आंसर होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है, ये मेरा निकल गया। अब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, देख सकते हैं आप चेक कर। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे ये है, अब देखेंगे ये कितना ज़्यादा है, 24 है तो सीधा कर देंगे इसको, 24 का वर्ग करें, 24 का वर्ग कितना होगा प्यारे बच्चों, 24 का वर्ग करें फटाफट, 24 का वर्ग कितना 576, कितना आएगा 576, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 76 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिख लेंगे। अब कितना आगे 24 इसमें जोड़ दो, कितना आएगा मेरा 600 24 2 48 सीधा हो जाएगा, कितने की मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 की, 6 अड़ते कितना हो जाएगा 48, 48 और 5 53, 48 और 5 53, तो यहाँ पे 5 कैरी आ जाएगा। फिर 6 चौक 24, 24 और 5 कितना 29, फिर यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 छंग 36, 36 और 2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 38, ठीक है, तो ये मेरा आंसर इसका 38, 93, 76, ठीक है, तो ये मेरा आंसर। देखिए मैं एक ही लाइन में निकाल रहा हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो। ये भी देखिए कितना कम है, ये भी हमारा 24 कम है, 600 में से 24 कम है, या 24 ज़्यादा हो या कोई और संख्या हो, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें सब निकल जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट में, तो ये 24 कम है तो इसका हमने सीधा कम्प्लीमेंट कर लिया, 100 में से कर लिया, या हम इसमें से 24 घटा दें, कम्प्लीमेंट करेंगे तो सीधा आप कर लोगे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा आसानी है, या इसमें से घटा दें तो कितना आ जाएगा मेरा 5, ठीक है, 552, कितने की मल्टीप्लाई करूँगा 6 की, यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, क्योंकि ये 24 कम है, 24 कम है तो ये कितना आएगा मेरा, ठीक है, 76 गए, यहाँ पर 5 आ गया। अब क्या करना है इसको, 6 की यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 5 कितना होगा बच्चों 17, ठीक है, 6 पंजे 30, ठीक है, यहाँ कैरी ले लें, 6 पंजे 30 कितना 31, यहाँ कितना ले लें 3 कैरी, 6 पंजे 30 और कितना आ जाएगा 33, ठीक है, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 33, 17, 76, ठीक है, ये इसका, ये निकल के इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसको, जैसे कि 726 दिया है, कितना ज़्यादा 700 से 26 छोड़ दो सीधा, ठीक है, 700 कितना हो जाएगा 26 2 52 हो जाएगा, कितने की मल्टीप्लाई करनी है बताइए, 7 की, ठीक है, 26 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों, 26 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चा, 26 का वर्ग तो बच्चों कितना 676, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 76 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे 76 लिख देंगे, और यहाँ पे 6 क्या ले लेंगे, ये कैरी ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 कितना हो गया 14, 14 और 6 14 और 6 20, 20 का यानी कि यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा, 7 5 35 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 35 और 2 37 आ जाएगा, 37 और यहाँ पे 3 कैरी आ जाएगा, 7 7 49 49 और 3 कितना आ जाएगा मेरा 77 49 और 3 यानी कि 52, ठीक है, 52 70 76 कितना आ जाएगा मेरा 52, ठीक है, 70 76 52 70 76 सही है, तो ये मेरा आंसर इसका सही है। अब देखेंगे मैं इसको निकालता हूँ, ये भी देखिए 700 से कितना कम है, ये 26 कम है, अगर 26 कम है तो क्या करेंगे, इसका कम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा मेरा, या इसमें से 26 घटा दो, या मैं इसका कम्प्लीमेंट तो सीधा 100 में से 52 गया तो कितना आएगा 48 आएगा, एक कम कर दो कितना आ गया 600, ठीक है, बहुत आसानी से, कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, कितना कम है हमारा, ये कितना कम है 26, तो मैंने 26 का स्क्वायर लिया, 26 का स्क्वायर कितना 600, तो लास्ट की 2 अंक रख दो 6 यहाँ रख दो, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 8 कितना हो जाएगा 56 और 6 कितना 56 और 6 62, तो 2 6 कैरी आ जाएगा, 7 4 28
28 और 8 34, 34 का कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे 3 कैरी आ जाएगा, 7, ठीक है, 7 छंग 42, 42 और 3 कितना आ जाएगा बच्चों 45, ठीक है, 45 42 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस टाइप के आपको ट्रिक्स, इससे शॉर्ट आपको कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं, शॉर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में, अब मैंने इसको कैंसिल कर दिया और इससे अगला ले लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है मेरा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये जैसे कि 827 दिया है, कितना दिया है बच्चों 827 दिया है, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आपको 27 का वर्ग मालूम होना चाहिए, और 27 का वर्ग कितना आ जाता है बच्चों 729, सब जानते हैं कितना। तो 29 को यहाँ ले लो, दो अंक लास्ट के, और 7 को कैरी ले लें, और 27 दूनी 827 का अगर डबल कर दें कितना, 27 दूनी 54 कर देंगे, ठीक है। अब इसका बेस क्या था बताइए आप, बेस क्या था, ठीक है। तो 800 है, कितना है 800 बेस है, कितना है 800 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 27, 27 का वर्ग करें, कैरी ले लें, और 27 ही इसमें जोड़ दें, और इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दें, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 और 7, ठीक है 39, 9, 3 कैरी आ गया, 8 पंजे 40 और 3 43, 4 कैरी आ गया, 8 टू 8 टू 64 और 4 कितना आ गया 68, ये मेरा एक ही इसमें आ गया, ठीक है। अब अगला ले लेते हैं, जैसे कि मैंने दिया गए 700, ठीक है, अब कितना कम है, ये मैंने ले लिया 27 कम वाला, और 27 कम का मतलब 773 दिया है, और इसका मैंने वर्ग किया, ठीक है, कितना कम है ये 800 से कितना कम है, ठीक है, तो ये 27 कम है, ठीक है। अब इसका कर ले कंप्लीमेंट कर ले इसको, या इसमें से अगर सीधा ही सीधा है तो इसमें से 27 घटा दें, इसमें 27 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 740, कितना आ जाएगा 740, क्योंकि 54 है, एक कम हो जाएगा, ये कंप्लीमेंट हो गया, और कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 8 की, और यहाँ पे तो वही आ जाएगा, क्योंकि कितना कम है कि 27 कम है, तो यहाँ पे कितना 29 होगा, 7 यहाँ पे कैरी वही आएगा, 8 छिंग 48, 48 और 7 कितना बच्चों 55, 55 का 5, यहाँ पे 5 ले लें, 8 चौक 32, 32 और 5 37 का 7 हासिल 3, 8 सत्ते 56, 56 और 3 59, ठीक है, ये इसका आंसर निकला। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं 59, 75 से 29, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अगला जैसे क्वेश्चन लेते हैं, अगला जैसे मैं बेस ले लेता हूँ आगे, जैसे मैंने बेस लिया 928, 928 है, और इसका मुझे वर्ग निकालना है, ठीक है, तो ये कितने से है 1900 है, कितना इसका बेस 900 है, 900 है, 900 से कितना ज़्यादा है 28 ज़्यादा है, तो 28 दूनी ये तो सीधे ही कर लोगे, 28 दूनी कितना हो गया 56, यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करोगे 9 के, 28 का वर्ग करेंगे, 28 का वर्ग कितना हो जाएगा 784, ठीक है, तो 84 यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कह, तो यहाँ पे 84 को यहाँ लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दें हम 7 लिख दें, अब क्या करेंगे 9 छिक्का 54, 54 और 7 ठीक है, 9 छिक्का 54, 54 और 60 61, 61 का ठीक है 6, 61 और यहाँ पे 6 कैरी आ जाएगा, 9 पंजे 45, 45 और 6 51, ठीक है, फिर 5 कैरी ले लेंगे, फिर यहाँ पे 9 निम 81, 81 और 5, ठीक है, 81 और 5 86 ये आ जाएगा, तो ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 86 11 84, ठीक है, 86 11 84। अब देखिए मैंने, अब देखिए आपको लगभग तक की आ रही हैं, अब जैसे मैं इसको 28 कम होता, 900 में से 28 कम होता तो कितना आ जाता, देखिए 872 आ जाएगा, कितना 872 कम है वर्ग, अब ये कितना कम है यही तो देखना है, ठीक है, कितना कम है, और इसमें से 28 घटा दो, 28 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 844 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
844, ये कितना कम है 28, उतना इसमें से घटा दो और इसमें 9 की ये मल्टीप्लाई कर दो। अब गया कितना, जितना कम है उसका मैंने स्क्वायर किया, कितना 28 कम है, तो 28 का सीधा ध्यान रखेंगे कितना, यहाँ पर 7 लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, ये 84, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, 9 चौक 36, 36 और 7 ठीक है, 43 का 3 कैरी 4, 9 चौक 36 और 4 40, यहाँ पर कैरी 4, 9 8 72 और 4 कितना आ जाएगा 76, ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे अगला लिखते हैं 1000 वाला, अब 1000 वाला जैसे 1029 है, कितना है 1029 है, तो अगर आपको 29 तक का स्क्वायर आना चाहिए तो आप सभी को निकाल दोगे कमती बढ़ती करके। आगे देखेंगे जैसे ये है, ये कितना है, तो ये हम देखिए इसको 29 का वर्ग करेंगे, 29 का वर्ग कितना हो जाता है 841, तो 41 को यहाँ रखें, 8 को यहाँ रख दें और 29 दूनी कितना हो जाएगा 0 लगा दें और यहाँ पर 29 दूनी 58 हो जाएगा, ठीक है। कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका बेस कितना है, बेस कितना है, क्योंकि 1000 है, 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट के 2 को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ के 10 रह जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, क्योंकि ये जब 0 आ रही है, 0 आ रहा है, तो इसको ठीक है 3 3 पेयर लेके चलेंगे, तो ये 0 के साथ यहाँ समाहित हो जाएगा। अब पूरा पूरा ये लिख दो, कितना आ जाएगा हमारा 10 58, तो ये मेरा निकल गया, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें 29 कम होता, जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे 971 होता, 971 और इसका मुझे वर्ग निकालना है, ठीक है, तो ये कितना कम है हमारा 29 कम है, कितना 1000 से कितना कम है, ये 29 कम है। अब 29 का मैंने वर्ग किया तो करते तो कि वही आ जाता हमारा 8 यहाँ लिखते और यहाँ पे 41 यहाँ रख देते, क्लियर। अब इसका करेंगे कितना कम है, यहाँ पर 29, तो यहाँ पर 29 ही घटा दो, अगर मैं इसको 29 घटा देता हूँ तो 942 आ जाएगा, 942 है, तो यहाँ पर मैंने 10 की मल्टीप्लाई करें, जब यहाँ पर 0 यहाँ पर आ गई तो इसको 3 अंक है, तो कि इसके साथ मिक्स हो जाएगी, तो यहाँ पर सीधा कुछ नहीं है, 3 अंक लिख ले, 3 गे इसको यहाँ लिख दो 942, इसका आपका क्यूब आ गया, ठीक है। कितना आ गया प्यारे बच्चों, इसका क्यूब आ गया। इससे शॉर्ट में आपको किसी चैनल पर साथ नहीं मिलेगा जो एक ही लाइन में, तो देखना ना भूलें अगले नेक्स्ट वीडियो।